हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, वो देश अपनी खूबसूरत लड़कियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की वुमेन इतनी खूबसूरत है कि खूबसूरती का हर ताज इनके सर पर सजा है। हालांकि ये गरीब देश जरूर है दोस्तों, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। दोस्तों, इस देश में ऐसी झील है जहां आपको खारा और मीठा दोनों तरह का पानी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यहां पर आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत झरना भी देखने को मिलेगा। ये देश उन देशों में से एक है जो आपके लिए कुछ खूबसूरत यादें अपने साथ वापस ले जाने के लिए पेश करता है। आई होप दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जा कहां रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं बेहद ही खूबसूरत देश की सैर पर, जिसका नाम है वेलेंजुला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लेक्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, वेनेजुला का ऑफिशियल नाम है बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुला। इसकी राजधानी कैराकास और करेंसी वेनेजुला बोलिवर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 9,16,445 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश बनाता है। अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर दोनों ही इसके बॉर्डर है दोस्तों। ये ब्राजील, कोलंबिया और गुयाना के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। क्रिस्टोफर कोलंबस पहले यूरोपियन हैं जिन्होंने वेनेजुला में अपना पहला कदम रखा। 1498 में कोलंबस की दक्षिण अमेरिका की तीसरी यात्रा पर ऐसा हुआ था और यहीं से इसकी खोज हुई। 1999 में वेनेजुला के संविधान की घोषणा के बाद स्पैनिश इसकी ऑफिशियल भाषा बन गई। हालांकि स्पैनिश देश की ऑफिशियल और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। वेनेजुला वासी 35 से अधिक और भी भाषाएं हैं जो बोलते हैं, यूज करते हैं। हालांकि इसे आप क्षेत्रीय या लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला नाम का ये देश काफी खास है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भंडार इस देश के पास है, लेकिन फिर भी ये देश गरीब है। पिछले कुछ वर्षों से ये अपने आर्थिक संकट के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो इस देश को दुनिया में बेहद खास और कुछ हटकर बनाती हैं। वेनेजुला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भंडार है। लंबे समय तक वेनेजुला की इकोनॉमी इसी के कारण बढ़ती रही, लेकिन ह्यूमन राइट्स को लेकर अमेरिका ने इस पर कई बैन्स लगा दिए। इसके बाद इसकी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। आज यहाँ महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग बोरे में नोट भरकर लेकर जाते हैं और उन नोटों से मात्र एक ब्रेड का पैकेट लेते हैं। यहाँ तेल पानी से भी सस्ता है दोस्तों। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुला में ही है। इसका नाम है एंजल फॉल्स। इसकी ऊंचाई करीब 979 मीटर है। ये एक ऐसा झरना है जो लगातार बह रहा है। ये झरना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये झरना बेल्जियम के बराबर का है दोस्तों। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी आपको यही मिलेंगी। जी हाँ, जहाँ प्रकृति खूबसूरत है तो वहाँ लड़कियाँ खूबसूरत ना हो ऐसा क्या हो सकता है? महिलाओं की खूबसूरती तो आप यहाँ देखिए। अगर आपकी नजर इन पर एक बार पड़ गई तो आप अपनी नजर इनके चेहरे से हटा नहीं सकते। इतनी खूबसूरत है ये लड़कियाँ। दोस्तों, महिलाओं की खूबसूरती से जुड़े कई कॉन्टेस्ट जैसे कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ की विजेता इस देश से निकल चुकी हैं। आपको पता है, वेनेजुला ने 7 बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है और अमेरिका ने 8 बार जीता है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर वेनेजुला ही है। दोस्तों, वेनेजुला एक महाद्वीपीय भूभाग है और कैरेबियन सागर में कई द्वीपों और टापुओं से बना है। यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी देखने लायक है। वेनेजुला एक महाद्वीपीय भूभाग है और कैरेबियन सागर में कई द्वीपों और टापुओं से बना है। पूरे कैरेबियन में देश में सबसे अधिक समुद्र तट और अपतटीय द्वीप हैं। वेनेजुला अपनी सुंदरता और संस्कृति को बनाए रखते हुए इन द्वीपों पर गर्व करता है। कैरेबियन सागर में कराकस से लगभग 162 किलोमीटर उत्तर में लॉस रोक्स वेनेजुला द्वीप समूह है। 280 से अधिक द्वीपों और गुफाओं के साथ साथ 400 वर्ग किलोमीटर के लैगून के साथ ये एक संरक्षित क्षेत्र है जो अपनी मूंगा चट्टानों के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसके अलावा लॉस रोक्स ने अपनी प्राचीन सफेद रेत और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल कर रखी है। विंड सर्फिंग, साथ ही फिशिंग और बोटिंग यहाँ की वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर एक झील है, नाम है माराकाइबो।
माराकाइबो झील के दक्षिण भाग में ताजा पानी है, जबकि उत्तर की ओर अधिक खारापन है। कई नदियाँ जो माराकाइबो झील में बहती हैं, जैसे कोटा चुम्बू नदी जो कि 340 किलोमीटर लंबी है और कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रिएट करती है। इसके दक्षिण में माराकाइबो झील का पानी ताजा है, जबकि उत्तरी पानी जो है वो खारी है। सोचिए कितना अद्भुत है ये प्रकृति का चमत्कार। झील एक ही है लेकिन दो अलग अलग पानी, खारा भी है और मीठा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना संपन्न होने के बावजूद भी ये देश इतना गरीब क्यों है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये देश कभी बहुत अमीर हुआ करता था। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बेहद आलीशान थी, लेकिन अब वेनेजुएला के लोग बेहद गरीबी जीवन जीते हैं। देश में बेरोजगारी है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, इस देश में महंगाई चरम पर है। आपको पता है भारत में भी महंगाई अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैसे दोस्तों वेनेजुएला का स्वर्णिम युग 1999 से ह्यूगो शावेश के दौर में शुरू हुआ, जो साल 2013 तक सत्ता में रहे। हालांकि इस दौरान देश में लोकतंत्र भले ही नहीं रहा, लेकिन उनका शासन काफी फेमस रहा। इस दौर में वेनेजुएला में काफी आर्थिक उन्नति हुई। शावेज ने भले ही अमेरिका सहित दुनिया के बाकी प्रमुख देशों को अपना दुश्मन बना लिया हो, लेकिन वो देश के लोगों के लिए बहुत सोचते थे और वो देश के मसीहा जैसे थे। शावेज के बाद उनका उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो आया। शासन संभालने के बाद देश की स्थिति लगातार खराब होती गई। सबसे पहले आम लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई, जो बढ़ती कीमतों से परेशान होने लगे। इतना ही नहीं, महिलाओं को घर का कामकाज करने के लिए या खर्चा चलाने के लिए मुसीबत आने लगी, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी चीज लाख से कम नहीं है। इवन घर की आम सब्जियां भी लाखों रुपए में आती हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि घर का खर्चा चलाने के लिए इस देश की कई महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम में लग गई। हालांकि इस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें अपने घर का खर्चा चलाना है। लेकिन दोस्तों बेशक ये देश गरीब है, अविकसित है, लोगों के पास पैसा नहीं है, अपना खर्चा चलाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन इस देश को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है जिसका दोहन ये लोग सही से नहीं कर पाए। लेकिन टूरिस्ट इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वेनेजुएला बहुत खूबसूरत है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए हम भी कुछ खास जगहों पर आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों ये है वन एंड ओनली एंजल फॉल्स। कनेमा नेशनल पार्क का दिल कहा जाता है इसे, वेनेजुएला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। शानदार एंजल फॉल्स, दुनिया के सबसे ऊंचे झरने के रूप में ये नजर आता है। इसका पानी सरप्राइजिंगली 979 मीटर नीचे गिरता है। ये प्रकृति की शक्ति की अद्भुत देन है दोस्तों। ये पूरा ट्रैक वेनेजुएला के कुछ खूबसूरत स्थानों से भरा पड़ा हुआ है। शांत लैगून, छोटे झरनों से लेकर स्वदेशी पेमोन गांव की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर टेपेस्ट्री तक आप घूम सकते हैं। हर एक कदम पर आपको कुछ खास मिलेगा, खूबसूरती चारों ओर है। दोस्तों ये है लॉस रोक्स द्वीप समूह। क्षितिज की ओर बढ़ते हुए लॉस रोक्स द्वीप समूह का नीला पानी ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना कि आप यहीं रुक जाएंगे। 300 से अधिक द्वीपों और गुफाओं से युक्त ये विशाल राष्ट्रीय उद्यान वेनेजुएला के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। सूरज की तलाश करने वाले और साहसी लोगों के लिए ये हेवन से कम नहीं है। सफेद रेत के समुद्र तट कैरिबियन के ठंडे नीलेपन के विपरीत गर्म लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज होती हैं। मूंगा चट्टाने समुद्री जीवन से भरी हुई हैं। ये एक जीवंत पानी के लिए एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। वेनेजुएला की कुछ खूबसूरत जगहों में से ये एक है। दोस्तों ये है मोरोकॉय राष्ट्रीय उद्यान। मोरोकॉय राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ मैग्रोव नीले लैगून आपसे मिलेंगे, जहाँ रेत का हर एक कण वेनेजुएला की सुंदरता की कहानी बताएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि समुद्र तट और जैव विविधता के मिक्सर के लिए वेनेजुएला जाना जाता है, तो बिल्कुल नहीं। ये अपनी स्पेशल खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो हर दिशा में फैली हुई है। दोस्तों ये है वालेंसिया। काराबोबो राज्य का दिल कहा जाता है। वालेंसिया काफी अट्रैक्टिव है। ऐतिहासिक विरासतों और प्राकृतिक खूबसूरती का ये अनूठा मिक्सर है। ये न केवल वेनेजुएला के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, बल्कि ये देश के विकास के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। वालेंसिया ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है, एक सटल सड़कों के लिए जाना जाता है। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।